कुछ भी कहो। अभी हम रस्ते में जब आ रहे थे, क्या अद्भुत भाव है। अच्छा बूढ़ों का तो छोड़ो, पहले के जमाने में लोग कहते थे भाई बुढ़ापों की भक्ति है, बूढ़े आदमी काम के ना धाम के, माला लिए हो करो राम राम है? लेकिन बाहरी भारतीय संस्कृति, बाह्य हमारे भारत के सदग्रंथ है, ये खुशबू और खूबसूरती हमारे भारतीय परंपरा की है कि हमारे भारतीय परंपरा के नवयुवक यौवन संपन्न बालक जब मस्तक पर तिलक लगाकर मुख से राम बोलते हैं तो मानो भारत की संस्कृति खिल उठती है। जब यहाँ के नवयौवन संपन्न युवा जिनके मुख पर तेज, जिनकी वाणी में ओज, जिनके विचारों में सामंजस्य, जिनकी चेतना भारत को विश्वगुरु बनाने की, ऐसे भारत के युवा जब मस्तक पर तिलक, हाथ में राम नाम का ध्वज और मुख पर मात पिता गुरु गोविंद का स्मरण करके जब वो जय घोष बड़े भाव पूर्वक बोलते, हमें लगने लगता मानो साक्षात ठाकुर वृंदावन विहारी ब्रजचंद मोहन अपने धाम को छोड़कर खिंचे हुए उस स्थल पर नाचते हुए चले आते हैं। आज हमसे एक पत्रकार महोदय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की, पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, और अब आपकी हुई तो श्री मिश्रा जी जो है शंकर जी का उपाय बताया गया, अब आप आए तो आप कह रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आदमी तो इसी में दिग्भ्रमित हो गया कि शंकर जी यहां एक लोटा जल दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठोके। प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था, चूंकि प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था तो हमें बोलने में भी बड़ा आनंद आया। हमने कहा श्रीमान नारद महोदय, पत्रकारों को नारद ही कहा जाता है, नारद का अर्थ चुगलखोर नहीं होता है, नारद का अर्थ होता सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता रखने वाला, नारद का अर्थ होता नारद जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद, जिसकी वाणी रद ना हो वो नारद। तो हमने कहा पत्रकार महोदय, महोदया नहीं थी महोदय थी, पहली बार में हम महोदया बोल गए, महोदया में गड़बड़ हो जाता है, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग प्रकट हो जाता है, तो महोदय थे। हमने कहा पत्रकार महोदय, वैसे तो एक दृष्टि से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा, शंकर जी ही ग्यारहवें रुद्र अवतार, अरे ग्यारहवें नहीं ग्यारहों रुद्र अवतारों का निचोड़ श्री हनुमान जी बनकर के प्रकट भए हैं। चाहे शंकर जी को भजो या श्री हनुमान जी को, दोनों एक हैं। पर उन्होंने कहा महाराज जी फिर सनातन में इतनी ज्यादा कोई शंकर जी की पूजा करवा रहा तो मैं यहां और विदेशन में भी अंग्रेजन की ठटरी बार के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करवा रहे हो, कोई माता की परांबा जगदम्बा मात भवानी मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माँ की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान विष्णु की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान रामचंद्र की पूजा बता रहा, तो ब्रजवासी ब्रजवासी वृंदावन वाले जितने भी हैं ब्रजभाव में परिपूर्ण वो भगवान श्री नंदनंदन ठाकुर जी को तो ध्याते हैं, पर ठाकुर जी से ज्यादा ब्रजेश्वरी श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्री राधा रानी जी की पूजा बताते हैं। तो कई बार मन मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाता है कि किसकी पूजा करें। हमने उनको कहा कि देखो श्रीमान यही तो सनातन की खूबसूरती है। बोले क्या? हमने कहा अन्य धर्मों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म इसीलिए है कि और धर्मों वालों लोगों के पास तो एक ही देवता है, और धोखे से अगर वे ऊ बारे नाराज हो जाएं
तो उनके पास में बैकअप में कोनो जो है साइड में इमरजेंसी कॉल उठावे वालो देवता ही नहीं है। और हमारे सनातन धर्म की इसीलिए खूबसूरती है कि अगर तुम शंकर जी की पूजा में बहुत अनचढ़ हो रही, तुम्हें दिक्कत हो रही कि तुम्हारे लेवल के अक्खड़ फक्कड़ हैं नैया, तो तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो, उनमें भी मन नहीं भर रहा तो ओम जय अंबे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, उसमें भी काम नहीं चल रहा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनसे भी तुम्हारी सेटिंग नहीं बन पा रही बाँसुरी बजावे वाले से तब भी कौन दिक्कत नहीं है, धनुषबाण वाले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नि तमट छवनौ नील नीरज सुंदरम, इनकी स्तुति करो इन्हें ध्याओ, इनसे भी सेटिंग नहीं बन पा रही कोई गड़बड़ नहीं कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी तुम साइड कर लो किनारा कर लो, और भी अलग अलग देवता दाढ़ी वाले देवता बिना मूछन वाले देवता चक्र सुदर्शन वाले देवता बीणाधारी श्री नारद जी भी है जिनसे माई सेटिंग मने उनसे पकड़ लो, यही तो खूबसूरती सनातन धर्म की है। अब बताओ तुम क्या, अच्छा देखो कितनी अद्भुत महिमा, लोग हमसे कहते आप कट्टर बातें बोलते, हम अपनी बात बोलते हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता, अभी पत्रकार बता रहे बोले गुरुजी भारत में आपको ही टारगेट क्यों किया जाता, हमने कहा इसलिए टारगेट किया जाता है कि जो सच्ची औषधि होती है वो जरा कड़वी होती है तो पेट गड़बड़ कर देती है। जिस आदमी को मिलावट का दूध पीने का आदत पड़ गया हो उसको एकदम पेवर बिना पानी मिला हुआ दूध दे दो तो 2 मिनट में सब फिल्टर साफ हो जाता है। हमने कहा हम भाई मिलावट नहीं जानते, यहां तो जो वाईफाई में सिस्टम वो अपने पास और अपने मुंह से निकल जाता है। बोले आपको हमेशा भारत में टारगेट, हमने कहा लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा हमें कब छोड़ेंगे, हम तो आम हैं। अब सनातन की बात उठी ही है तो हम आपको करबद्ध निवेदन कर दें, औरों के पास तो एक ही किताब है, एक फिक्स है, चाहे उल्टी पढ़ो चाहे सीधी, चाहे बीच से पढ़ लो चाहे एक पेज फाड़ के पढ़ लो, हम नाम नहीं लेंगे अपने पवित्र मुंह से, समझदार हो आप लोग, अपने पास रामायण में तुमाओ चितनी चिबक रहो ठटरी के बरे भागवत पढ़, भागवत में तुम्हें श्लोक प्यारे नहीं लग रहे या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समुनस्तम नमामि हरि परम। अगर तुम्हें ये श्लोक प्रिय नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, ठटरी के बरे 4 वेद पढ़, इनमें भी तो उबासी आ रही नींद आ रही चिनूना काट रहा हो कोई दिक्कत नहीं, 6 शास्त्र पढ़ कोई दिक्कत नहीं, 6 शास्त्र में भी तोड़ो हार्ट अटैक हो रहा हो ठटरी के बरे 18 पुराण पढ़, इतने भी तोरी बुद्धि नहीं चल रही पढ़ लो दिमाग ठिकाने नहीं लग रहा तो 18 उप पुराण पढ़, इनमें भी तुम्हारी बुद्धि नहीं लग पा रही तो हमारे भारत के ऋषि मुनि कितने बुद्धिष्ट थे, कितनी बुद्धि तीव्र थी, कितना तीक्ष्ण ज्ञान था हमारी भारतीय सनातनीय वैदिक परंपरा में 108 उपनिषदों का वर्णन कर दिया, पढ़त पढ़त 7 पैड़ी मर जाएगी लेकिन ये कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे उनके पास तो एक ही किताब है, हम लोग तो इतने धनवान हैं कि ग्रंथों के नाम नहीं ले पाएंगे और जिंदगी कट जाएगी। कहां मनुस्मृति श्रीमद भगवत गीता, जिस गीता का आदर्श विदेशी भी करते हैं, ये कितने धनवान लोग हम सनातनी हैं। कई लोग हमसे कहते गुरुजी बड़े निर्धन हैं, निर्धन वो है जिनके पास गोविंद धन नहीं है, जिनके पास गुरु रूपी धन है, जिनके पास गोविंद रूपी धन है, और वो निर्धन भला कहाँ हो सकता।
और यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन तो गोविंद की कथा है। तो जो अशोक नगर के पागल यहां विराजमान है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, आप विश्व की उस प्राचीन संस्कृति में जन्म लिए हुए हैं जिस जन्म को लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और इतने के बाद धन देखिए, मस्तक पर तिलक, शिखा चोटी, कंठ में माला, ये भारतीय हिंदुओं की परंपरा और पहचान है। ये हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, दसवें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी पगड़ी, अपने केस, अपने चूड़ा, अपने कृपाण को बचाने के लिए, यवन औरंगजेबों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए हाथ में लोहा उठा करके दांतों चने चबवा दिए थे, उस भारतीय परंपरा के हम लोग सच्चे सेवक हैं। कश्मीरी पंडितों पर चल रहे अत्याचार को देख करके वहां के कश्मीरी पंडितों ने यवनों बलात् रूप से यवन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, परिवर्तन ना करने वाले लोगों को बलात् रूप से उनकी बहनों को, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे। मेरे पागलों, भागवत कथा के साथ साथ आप लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ, हाउ डू यू, हाउ आर यू अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ रामचरितमानस पढ़ाना मत भूलना, ताकि पुनः ऐसी परिस्थिति बने। हम लोगों से कहते हैं कि हमेशा अक्षर कथाओं में बच्चों को लेकर जरूर आया करो। तो कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपकी कथा में इतना भक्त समुदाय आता है कि दो चार बच्चे तो खो ही जाते हैं। हमने कहा कोई नहीं, वो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर लाया करो। पूछो क्यों, बच्चों को आप गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, महारानी लक्ष्मीबाई, भारत नहीं विश्व के आदर्श परम चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र जी, इनकी कथाओं को जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, सुनाओगे, इन आदर्शों पर चलवाओगे, तो आपका बच्चा आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर तो बनेगा, साथ में एक मानवता का और सनातन धर्म का सच्चा पुजारी भी बनेगा। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चे को बाबा बनाओ, ना ना ना, हम ये कहते हैं कि जब 25 तारीख आती है तो तुम उनको सांता क्लॉज के पास गिफ्ट लेने के लिए जिस प्रकार भेज देते हो, ठटरी के बरे हरो न कटा हरो, आज की यात्रा हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पाद कमलों को प्रणाम करते हुए, जिंदगी में लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। युवाओं के लिए आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो लक्ष्य बड़ा चुनो, छोटे लक्ष्य में मत जियो। धूम्रपान से मत लड़ो, लड़ना है तो गोविंद के ध्यान से लड़ो। कई बार हम लोग छोटे सपने देख करके अपनी जिंदगी को स्वतः ही बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास, हम तो बचपन ही से कबाड़ी रहे, बचपन में हमारे पास एक नेता जी आए तो बोले, गुरुजी हमको ऐसी सीट पर चुनाव लड़वाओ कि अगर हारे भी तो इज्जत बच जाए। हमने कहा आज नहीं कल बताएंगे। अब देखना गुरु का ज्ञान कितना विचित्र होता। हमने अपने गुरुजी से कहा कि अमुक आदमी आया था, ऐसी ऐसी बात है, रात को हमने गुरुजी के जो भी अर्जी होते लगाओ, वाईफाई में सिग्नल मिला है। भाई भाई का उत्तर भी बड़ा खतरनाक, जब दूसरे दिन वो नेताजी वापस आए
बोले गुरुजी बताओ हम ऐसा कहां से चुनाव लड़े कि इज्जत हमारी बची रहे हारने के बाद भी। हमने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ो, कम से कम तुम्हारे बाल बच्चे कल के दिन बड़े होंगे वो पूछेंगे कि पापा तुम चुनाव लड़े थे तो बताना, लड़े थे लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़े थे, तो बताने में भी तुम्हें आनंद आएगा। ये बात बहुत विनोद की नहीं है, ये बात बहुत गंभीरता की है। आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो बच्चों का लक्ष्य बड़ा चुनो, छोटा मत चुनो, छोटा मत चुनो। बहुत बड़ा बनना है तो सपने बड़े देखना बंद करो। इसमें तुम पढ़ो मत कि तुम्हारी क्षमता नहीं है। कौन कहता क्षमता नहीं है? जब मीराबाई भगवान को पुकार पर करके गोविंद को पा सकती, सबरी 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रतीक्षा करके राम को पा सकती, तो क्या तुम भारत में रह करके अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हो? यहां के एक खबर नहीं अमीर आदमी है कि नहीं, एजेंसी के एक मालिक, कल रात्रि में वो दोनों सापत्रिक जहां हम निवास पढ़ते तो वहां पर प्रश्नोत्तरी चर्चा में मिले हमको। बोले गुरुजी हमने 4 महीने से सिर्फ यही रटन लगाई थी कि एक बार हम आपको नजदीक से मिले, रोज यही सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते थे कि हमें और तो कुछ पता नहीं, पहुंच पाना हमारा मुश्किल है। और उन्होंने बताया भी कि हमने कलेक्टर से लेकर के सबका सपोर्ट लगाया, मिल नहीं पाए। हमने कहा माफ करना, सपोर्ट के चक्कर में तो हम बिल्कुल मिलते ही नहीं है। कोई अगर तुम सपोर्ट किसी की भी लगा लो फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन आप मिले हैं ये शुभकामना। और हमें उनकी एक बात बहुत हृदय में चोट कर गई। उनके पति का कहना था कि महाराज जी हमें विश्वास था कि एक दिन ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी हमारे घर के नीचे होगी। इसका मतलब वहां होगी। और साधु सच बोले हमने उनको तो कुछ नहीं बोला, पर हृदय हमारा इतना गदगद हो गया कि व्यक्ति के अंदर अगर जुनून हो ना, व्यक्ति के अंदर अगर लक्ष्य को पाने का संकल्प हो ना, व्यक्ति दृढ़ संकल्पित तो हो भटके भरना। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण है, वो गोविंद भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हम तो मानव हैं, वो ईश्वर भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। इसीलिए मेरे युवानों, मेरे पागलों, तुम अपने जितने भी माता पिता बैठे अपनी बेटी को अपने बेटे को छोटा लक्ष्य मत चुनवाओ, बहुत बड़ा लक्ष्य का उसे सपना दिखाओ। वहां नहीं पहुंचेगा 19 नंबर पर पहुंचेगा, 10 नंबर का सपना देखने से अच्छा है 20 का देखो। और जब तक पाना जाओ तब तक भटको मत। हमारी जिंदगी का एक खुद का बाकिया है। गांव में हम जब अभी भी गांव में ही रहते हैं, पुराना मकान जहां हमारा था, छोटी सी झोपड़ी, हम माँ पिता, हमारी बहन और हमारा भाई, पांचों लोग उसी घर में रहते थे। उस जमाने में टीवी का उतना प्रचलन नहीं था। पड़ोस के घर में एक सज्जन टीवी लेकर के आए, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, आज भी हमें याद है। पूरा मोहल्ला, पहले तो टीवी प्रायः कम होती थी, सब देखने जाते थे, हम भी जाते थे रोज टीवी देखने, हम भी सबके बीच में जाकर बैठते थे। नया नया शौक बचपना तो था ही, अवस्था रही होगी यही कोई 8-10 साल की, कोई बड़ी अवस्था नहीं। ध्यान से सुनना, एक बार उन महोदय को पता नहीं, हमारा समय चक्कर खराब था इसलिए हो सकता, उन महोदय ने किसी बात पर रुष्ट होकर के हमसे तो डायरेक्ट नहीं कहा, पर बगल में बैठी अपनी मां से कहा कि ये रोज रोज आ जाते हैं देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दी। हम खड़े भए, हमारा समय विचित्र था उस वक्त, बचपन से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी, तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने उनको कुछ बोला नहीं,
हमने ये भी नहीं कहा कि हम चले जा रहे, ये भी नहीं बोला कि हमारे कारण आपने टीवी क्यों बंद कर दी, हमने ये भी नहीं बोला कि हम आज से नहीं आएंगे, बहुत हो गया, नहीं। मुस्कुरा कर, अच्छा जी सीताराम, उन्होंने सीताराम भी नहीं बोला, हमने तो बोला। वापिस सामने ही घर था हमारा, वापिस आके हम बैठ गए, रात का समय वही 10-11, माँ लेटी थी, माँ ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा माँ कुछ नहीं, लाइट चली गई। घर में उस वक्त हमारे डिब्बी से काम चलता था, बापू भी पिताजी भी हमारे वहीं बैठे हुए थे, आंखों में आंसू, वो बात बार बार दिमाग में टच कर रही थी, रोज रोज देखने आ जाते हैं, रोज रोज देखने आ जाते हैं, रोज रोज देखने। एकांत कोने में वहां एक मैदान सा था, कोई क्योंकि हमारा जो पुराना मकान था ना वो गांव के एकदम लास्ट में, आप गए ना एकदम लास्ट में, तो एकांत में हम जाकर के बैठे, खूब आंसू पहुंचे लगभग 1.5 घंटे तक। खबर से सुनना, हो सके तो तुम अपनी जिंदगी में इस बात को उतारना, हमने तो भोगा है, ईश्वर करे तुम्हें कभी नहीं भोगना पड़े। कुछ नहीं बोला, मान होकर के हमने प्रण लिया कि अब अपनी जिंदगी में हम टीवी तब देखेंगे जब अपने बाप की होगी, नहीं तो लौट कर देखेंगे, बस फिर क्या। जिंदगी में जुनून सवार हुआ कि उस वक्त हमारे अंदर जुनून सवार हुआ कि अब तो टीवी होगी तो खुद की होगी तभी देखेंगे। और पुरोहित कर्म तो करते ही थे, कर्म कांड करते थे हम बचपन में भी, तो सत्यनारायण बांचने किसी के घर जाएं, कोई अमीर आदमी गुरु जी महाराज जी यहाँ बैठो तब तक, आप इंतजार करो तब तक तैयारी हो रही, और उसके कमरे में टीवी लगी हो ना तो हम कहते थे हम यहाँ नहीं बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, क्योंकि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी खुद की होगी। नया नया प्रचलन, पहले बसों में वॉल्वो बस का चला था, टीवी लगी हुई बस का, तो हम पढ़ लेते थे कि इसमें टीवी तो नहीं है, अगर है तो इस पर नहीं जाएंगे, और अगर धोखे से बैठ भी गए, हमें याद है कोई बाकिया, कोई बहुत रात के समय कोई वाहन मिल नहीं रहा था, तो एक बस मिली जिसमें टीवी ही थी, किस्मत भी कई बार बहुत तेज धक्का मारती है, टीवी थी, पूरी यात्रा में सब जो यात्री थे वो टीवी में मस्त थे, गुल थे, पहले मोबाइल का तो इतना जमाना नहीं था कि उसमें व्यक्ति मस्त रहे, तो सब मस्त थे, लेकिन हमारी नजर नीचे ही रही, क्योंकि प्रण था जब तक बाप की नहीं हो जाएगी तब तक नहीं देखेंगे। श्रीमान आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, विदिन हमने 1.5 वर्ष में, आज भी हमें याद है, 3800 रुपए की मैक्स टीवी खरीदी, ब्लैक एंड व्हाइट, 3800 रुपए की मैक्स टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट खरीदी, लाकर के घर पर रखी, चालू की, मोहल्ला वाले गांव आस पड़ोस के लोग बहुत हम पर हंसे, कितना मूर्ख आदमी है, कितना पागल आदमी है, घर पर इसके खाने को नहीं है, भिक्षा मांग कर जीवन जीता है, ठाट तो देखो राजाओं जैसे है, टीवी ले चला है, टीवी देखेगा नवाब बनेगा, लेकिन हमारा संकल्प तो था टीवी दिखेगी तो खुद की दिखेगी, टीवी लाए, टीवी चालू की, मोहल्ला के लोग आए, वो सज्जन भी आए, किस्मत से उनकी टीवी बर गई। अब इसमें तुम ये मत मानना कि बचपन से ही हम शक्तियां चलाते रहे, नहीं, किस्मत से उनकी टीवी जल गई, हमारी नहीं, वो भी आए, हमने उस दिन बूंदी ली थी 100 ग्राम, बूंदी 100 ग्राम ज्यादा नहीं, वो बूंदी हमने उसको बचाकर खास कर रखी थी कि ये आएगा, वो जब आए तो बोले महाराज जी अपनी तो थी टीवी, आप पैसा क्यों खर्च कर आए, हमने कहा धन्यवाद, वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा थैंक यू, वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा बूंदी खाओ, वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा ये तुम्हारी ही कृपा है वरना ये हम ले नहीं पाते प्यारे। और अब ये जिंदगी है साधु, जिंदगी में लक्ष्य हो और गुरु कृपा हो, तो उसने टीवी के लिए भगाया था, टीवी भी खरीदी और साधु आज टीवी पर भी आ रहे हैं। जिंदगी में तुम्हें लक्ष्य माफ करना, टीवी पर आने के पीछे कहीं ना कहीं यही टीवी हमारे मन में आज भी भरी थी, लेकिन जब से आ गए तब से भर निकल गई, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में बाकिया याद है, अपनी जिंदगी में हमने जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश की
गुरु ने कृपा की। और याद रखना, जिसकी जिंदगी में गुरु होता है ना, वो गुरु हनुमान जी जैसा हो, वो जिंदगी की कोई भी मंजिल पा सकता है। कोई भी मंजिल। इसलिए मेरे पागलो, तुम घबराना मत। अशोक नगर के युवाओं से कहेंगे, तुमने आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज या बहुत बड़ा सनातन धर्म का संरक्षक बनने का सपना देखा है, तो मत टूटना, मत डिगना, मत बहकना। उठो, जागो, करो मेहनत। हनुमान जी के चरण पकड़ के एक दिन ऐसा आएगा, कामयाबी शोर मचाएगी। हमारी जिंदगी में तो हुआ, और बुरा मत मानना, हमने कोई शक्ति का उपयोग नहीं किया उस वक्त बचपन में, जबकि ये घटना बता रहे हैं। शक्तियां तो हमें 12 वर्ष की अवस्था में मिली, जब हमारी आयु 12 वर्ष, तब हमें हनुमान जी का आभास हुआ, तब हमने फिर अज्ञातवास की साधना की, तब हमने फिर हवन किया, तब हमने गुरु जी के चरण दबाए। गुरु जी मतलब हमारे ये दादा गुरु जी, गुरु जी मतलब दादा गुरु जी, दादा गुरु जी मतलब पिताजी के पिताजी, जो बागेश्वर धाम के प्रथम पुजारी भए, जिन्होंने दो बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। ये होती है गुरु कृपा, ये होती है गुरु की मेहरबानी, ये होती है गुरु का चमत्कार। कितना भी दीनहीन हो, कैसा भी बिछड़ा और पिछड़ा हो, जिसका गुरु बलवान होता है ना, जिसकी गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति अटूट कृपा हो जाती ना भैया, वो व्यक्ति वो इंसान रंक से राजा बनते देर नहीं लगती है। इसलिए मेरे प्रार्थना है मेरे साधु, आज की कथा हम बाद में शुरू करेंगे, ये बाकिया हमें बहुत स्मरण आ रहा था कि आप लक्ष्य बड़ा चुनो। तुम लड़ किससे रहे? धूम्रपान से, नशा से, मोबाइल से। बहुत से युवा हम ये कर नहीं पाएंगे। बहुत से लोग कहते गुरु जी हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत से कथावाचक हमको मिलते हैं, महाराज जी आप कर लेते हो, आप विरोध झेल लेते हो, हम नहीं झेल पाएंगे। अरे मेरे पागल, क्या उल्टी बात करता। सनातन के लिए अपनी बात बोलना कट्टरपन अगर है तो है, क्या डरना। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। और याद रखना मेरे पागल, शायद तुम्हें हमारी बात कभी याद आए तो ये कथा तुम रोज, आज की कथा, आज का वीडियो बार बार सुनना। अगर तुम्हें कभी याद आए तो बागेश्वर धाम चैनल पर इसे बार बार सुनना। हो सके तो मेरे पागल कुछ काम ऐसा करके जाना, तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। क्या तुम दो कौड़ी के जीवन में पड़े हो? क्या तुम अपनी जिंदगी के विरोध में पड़े हो? आज हमको पत्रकार कह रहे थे, महाराज जी आपका, बहुत से संत नाम ले रहे थे, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट में, बहुत से संत आपका विरोध करते हैं। हमने कहा हमने ये सोचा ही नहीं कि कौन हमारा विरोध करता। सेम टू यू, अगर हम इनमें फंस जाएंगे कि कौन हमारा विरोध करता, इनमें अगर बिद जाएंगे, इनके खिलाफ बोलने लगेंगे, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य संतों से विरोध करना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सनातन को बढ़ाना है पागल। हमारा लक्ष्य राम नाम का प्रचार पूरी भारत में, पूरी दुनिया में करना है। और अगर हम इनमें फंस जाएंगे, इनमें अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे, और तुम लोग भी यही गलती करते हो, अपने ताऊ के चाचा के, अपने ताऊ के लड़के को, चाचा के लड़के को, अपने ताऊ को, अपने मामा को, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए दिन ना रात अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहते, लड़ते रहते, टाइम बर्बाद करते रहते, बातें करते रहते, और तुम इतना झूठ बोलते, उनकी निंदा की बात आवे तो तुम्हें इतनी प्रसन्नता होती कि तुम अपना काम छोड़कर उनकी निंदा सुनते, उनकी निंदा करते, उनका उल्टा प्रचार करते। मेरे पागल, जितना टाइम तू उसमें वेस्ट कर रहा, हाथ में माला ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर और झंडा लेकर आगे बढ़ चल।
जितनी ऊर्जा तू दूसरे को नीचा दिखा, अद्भुत बात है। हम लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों में इतनी कमियां बताएंगे, इतनी कमियां बताएंगे, उसमें ये है, उसमें वो है। अरे ठठरी के बरे लोग हमसे तो, हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सुनने में बहुत आदत पड़ गई है। लोग हमारी वेशभूषा देख करके बड़ा ढोंगी है, भीड़ समुदाय देख करके बड़ा पाखंडी है, 25-26 साल का, और वो मन पढ़ लेता है, बस ट्रिक जानता है, वो क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग। न कटा तू अपने बाप का करके बता, मान लिया माइंड रीडिंग भी है, तो कौन सा ऐसा माइंड रीडर है जो समस्या का समाधान कर दे? प्यारे ये बातें ना खोखली हैं। और माइंड रीडिंग करने वाला तुरंत में दिमाग में क्या चल रहा सिर्फ ये बोल पाएगा, मेरे हनुमान जी का वाईफाई तो बाप का खानदान भी बताता है और होटल की समस्या भी बताता है। प्यारे तो कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, आज बोलना था हमें, बोला इसलिए कि मेरे पागल वो कुछ नहीं, कलयुग में हनुमान जी की कृपा थी, है, उसका प्रत्यक्ष चमत्कार बागेश्वर धाम में है। और हम आप तो भारतीय लोग हैं, भारत में तो लोग कहते हैं गुरुजी भारत में तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, अंधविश्वासी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एक पत्रकार तो विचित्र छापे हुए था, एक पत्रकार कह रहा था देखो एक 25-26 साल के युवा ने लाखों लोगों को पागल बना रखा, नक कटा तेरा बाप पागल बन जाए तब जानू। बेफिजूली की बातें बोलते हैं, पागल बना रखा, पागल कर रखा तू कर। अरे प्यारे जो कथा में आते हैं, जो दरबार में आते हैं, उनसे पूछो, पर्चा भले ही नहीं बनता पर वो क्या क्या लेकर जाते हैं। जो आ रहे हैं उनसे पूछो कितनों के घर नहीं बच गए, उनसे पूछो कितनों ने मदरा नहीं त्याग दी, उनसे पूछो कितनों के घर में खुशियां नहीं आने लगी, उनसे पूछो जिनके बच्चे बाप को बाप नहीं कहते थे आज वो पिताजी कह रहे, उनसे पूछो बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों से जिनकी, जिन हम मानते हैं कि हम उनको मिले नहीं, हम ये भी मानते हैं कि पर्चा नहीं बना, ओ ये बुरा मत मानना मेरे पागलो, तुम हमसे जुड़ना तो पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हमसे जुड़ना तुम मिलने के मतलब से मत जुड़ना, तुम्हें सनातन का सच्चा पागल बनना हो तब जुड़ना, हम गारंटी देते हैं पर्चा बने या ना बने व्यास पीठ की शपथ खा करके कहते हैं जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बाप का नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे परदादा का नाम बता दें, पर्चा छह बना दें पर समस्या का समाधान ना हो तो किसी मतलब का है क्या? बोलो ना, बोलो ना। हम हमेशा जब भी बालाजी के चरणों में बैठते या हमारे पास जो भी चूरन चटनी है, चूरन चटनी मतलब जो भी बालाजी की कृपा है, जो भी दादा गुरुजी की कृपा है, हम एक ही प्रार्थना करते, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी के प्रश्न बता पाए या ना बता पाए, किसी को मिल पाए या ना मिल पाए, पर जो दरबार में आए हम तो उसे डायरेक्ट देख नहीं पाते, उसको मिल नहीं पाते, तुम्हारे पास तो अनंत सेना है, वो जो इच्छा लेकर आए वो पूरी हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ जितने भी अशोक नगर के लाखों लोग बैठे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा मेरे पागल, लाखों लोग ऐसे हैं जो दो दो साल नहीं, आठ आठ साल से, तीन तीन साल से नहीं मिल पाए, पर आज तक उनकी जिंदगी में कोई काम रुका नहीं। ये आज का समुदाय देख लीजिएगा, मेरे पास साधुओं अपनी जिंदगी में लक्ष्य बड़ा चुनो, क्या बड़ा चुनो बोलो ना, आज के बाद कौन कौन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बालाजी से नाता जोड़ लिया, बाकी सब तुझ पर छोड़ दिया।